हेलो दोस्तों, सलाम। स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हो गया थर्सडे और आपके लिए लेके आ गया हूँ आपका प्यारा टेक न्यूज़। तो ये है टेक न्यूज़ नंबर 4। तो आपको इस टेक न्यूज़ से क्या सीखने को मिलता है और क्या इन्फॉर्मेटिव मिलने वाला है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज टेक न्यूज़ थोड़ा कम है और बाहर तो नहीं, वो भी टेक्नोलॉजी का रिलेटेड करता है, उस न्यूज़ में भी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला न्यूज़ ये है कि चलिए देशभक्ति से कुछ शुरू करते हैं। तो आज ये चीज़ एक खबर बाहर में आया है कि जैसे चाइना को हम लोग मोबाइल का हब कहा जाता था ना, चाइना को, जो चाइना में जितना भी मोबाइल का प्रोडक्शन है, असेंबली है, वो सब चाइना में होता था। लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर मोबाइल हमारे इंडिया में भी बिकता है, जो कि है रेडमी है, ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, ये सब मोबाइल इंडिया में बिकता है। लेकिन उसके कवर के ऊपर क्या लिखता है, मेड इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, असेंबल इन इंडिया, इंडिया में असेंबल होता है लेकिन बनता नहीं है। लेकिन इस बार इंडिया में एक ऐसा खोज किया गया है कि खोज तो नहीं, एक फैक्ट्री डाला जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है खबर कि इंडिया अब सबसे बड़ा लार्जेस्ट हब बनने वाला है मोबाइल का, जो कि मोबाइल असेंबली करेगा और मोबाइल प्रोडक्शन भी करेगा। तो ये चीज़ अब इंडिया में होने वाला है, जो चाइना में होता था और जो चीज़ चाइना से बाहर कंट्रीज़ में जाता था वो इंडिया से बाहर इंडिया में प्रोडक्शन असेंबली होगा और बाहर कंट्रीज़ को भी फॉरवर्ड किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया भी मोबाइल का हब बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया को बहुत अच्छा तरक्की हो रहा है, टेक्नोलॉजी में भी इंडिया आगे आने वाला है और इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे दिग्गज तो नहीं बोलूँगा, इंडिया में ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसका मतलब ये है कि ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और ये चीज़ बहुत जल्द। तो दोस्तों, दूसरा न्यूज़ ये है कि आप सब ने तो गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, जो भी डेस्कटॉप लैपटॉप या तो मोबाइल में यूज़ करते हैं गूगल क्रोम यूज़ करते होंगे। जैसे गूगल क्रोम में एक्सटेंशन आता है, वैसे ही व्हाट्सअप में अब एक्सटेंशन का अपडेट आने वाला है, जिसका मतलब ये है कि ये एक्सटेंशन ऐसा दिया गया, ये आपका सिक्योरिटी वेरीफाई है। इसका मतलब ये है कि आप किसी से भी चैट कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, आप वीडियो कॉल पे या तो चैटिंग पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि इतना ये एक वन टाइप का आपका सिक्योरिटी प्रोडक्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी से भी चैट करें या कुछ भी करें, उस वो भी चीज़ किसी को पता नहीं चलेगा, चाहे वो कितना बड़ा ट्राई करते, आप कोई भी आपका, चाहे आपका फ्रेंड जोन में हो या तो कोई आपका एक्सेस करता हो, जैसे व्हाट्सएप डेस्कटॉप पे एक्सेस किया जा रहा है तो वैसे भी एक्सेस करके कोई आपका मैसेज कॉल्स कुछ भी रीड कर नहीं सकता। और ये एक्सटेंशन व्हाट्सएप बहुत जल्द अपडेट लेके आने वाला है, जो कि सबके लिए बहुत अच्छा है और ये क्लाउड वन के साथ कोलैबोरेशन में किया जा रहा है और ये चीज़ बहुत जल्द। तीसरा न्यूज़ ये है कि वन प्लस का और एक खबर बाहर में आया है। जैसे बोला गया था कि वन प्लस यूनिफाइड ओएस होके वो मर्ज होने वाला है ओप्पो का कलर ओएस के साथ, लेकिन अब ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस था, ऑक्सीजन ओएस 13, वो लॉन्च तो नहीं, अभी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस पर ऊपर काम कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है उसका काम, लेकिन वो एंड्रॉयड बेस्ड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड के 13 के ऊपर आने वाला है और वो प्योरली ऑक्सीजन ओएस होगा। वो खुद भी उसको क्लेम करते हैं कि जो प्रीवियस मंथ 2021 में और 22 में जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए हैं एंड ऑक्सीजन 12 के साथ, उसमें सबको कॉलर ओएस के साथ मर्ज होने को देखने को मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा बक्स आ रहा है, ज़्यादातर बक्स निकलने वाला था और थोड़ा थोड़ा बक्स भी निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको बक्स देखने को मिल रहा था ऑक्सीजन ओएस 12 में, लेकिन जो ऑक्सीजन 13 आने वाला है उसमें ना ही आपको बक्स देखने को, बहुत सारा मिनिमलिस्ट ठीक आपको बक्स देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होने वाला है, लैग इशू होने वाला नहीं है। जैसे ही आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता था प्रीवियस, वैसे ही क्लीन ओएस आपको देखने को मिलेगा और वो भी एंड्रॉयड 13 के साथ वो बेस्ट होने वाला है। और वन प्लस का और एक न्यूज़ ये है कि वन प्लस का नॉट सी ई 2 लाइट फ़ोन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको 6.59 इंच की एक FHD प्लस स्क्रीन देखने को मिलेगा, 5000 मिली एम्पियर की बैटरी, 33 वाट का चार्जर और उसके साथ आपको एंड्रॉयड 12 बेस्ट में आने वाला है। ये फ़ोन 5G के साथ आने वाला है, 695 प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का जो 695 प्रोसेसर है उस प्रोसेसर में आने वाला है और इसका जो प्राइस है वो भी लगभग अंडर 20,000 होने वाला है। पता नहीं अभी तक तो जितना रूमर्स आया, लेकिन आई थिंक ये 20,000 या तो 22,000 के 22 तो नहीं जाएगा, 20,000 के अंडर आने वाला है। इसका मतलब ये कि वन प्लस का फ़ोन भी अंडर 20,000 आने वाला है। तो जो भी वन प्लस का लवर से वो आई थिंक लेने की कोशिश जरूर करेंगे और ये फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है। तो चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपके लिए पूरा डिटेल्स लेके आएंगे। अगर फ़ोन जितना जल्दी लॉन्च होगा आपके लिए, मैं आपको उसका डिटेल्स रिव्यू देने की कोशिश जरूर करूँगा। ये है कि रेडमी का 10 सीरीज, जो कि एक बजट सेगमेंट का फ़ोन होता है, वो आज ही लॉन्च होने वाला है 17 मार्च को, जो कि आपको एक बजट सेगमेंट में
50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, 6.5 इंच का आपको FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इसमें आपको ये 4G फ़ोन होगा, 5G फ़ोन नहीं होने वाला है, 4G फ़ोन होने वाला है। इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और 33 वाट का चार्जर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन आज ही लॉन्च हो रहा है, आपको बहुत जल्दी इस चैनल में उसका डिटेल रिव्यू मिलने वाला है। तो दोस्तों फिफ्थ न्यूज़ ये है कि आपको जो रियलमी के तरफ से आपको जो GT Neo 3 फ़ोन आने वाला था, वो ऐसा कुछ रूमर्स आ रहा है कि वो OnePlus का 10 सीरीज़ का कोई फ़ोन है जिसमें आपको 150 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशन तो आपको पहले बता दिया था, वो भी टॉप नॉच का स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है, 8th Gen का प्रोसेसर के साथ, वो भी एक फ्लैगशिप का ही फ़ोन होने वाला है। लेकिन रूमर्स ऐसा आ रहा है कि ये OnePlus 10 सीरीज़ का कोई फ़ोन है जिसको रियलमी GT नाम से लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन हमें क्या, हमें अच्छा मोबाइल मिले तो हमें उससे कुछ इशू होने वाला। और एक खबर है यार रियलमी की तरफ से, ये है कि ये अप्रैल एंड तक आपको रियलमी का और एक टीवी देखने को, एक स्मार्ट टीवी देखने को मिलेगा जिसमें आपको बहुत पतले बेजल्स देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको ये टीवी 43 इंचेस का होने वाला है जिसमें आपको FHD प्लस डिस्प्ले देखेगा। ये 4K या 2K डिस्प्ले नहीं है, आपको FHD प्लस डिस्प्ले देखने को ही मिलेगा और ये अप्रैल एंड तक लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट न्यूज़ ये है कि आपको COD में, कॉल ऑफ ड्यूटी में, आपको वार जोन इस बार अपडेट में आने वाला है। वार जोन में आपको बहुत सारा प्लेयर जैसे ज़बरदस्त कुछ नया थीम्स लेके आएंगे, कुछ नया मैप लेके आने वाले हैं और कुछ ज़बरदस्त प्लेयर के साथ और भी मैच तगड़ा होने वाला है। और बहुत आपको पता है COD बहुत सारे लोग खेल रहे हैं जब PUBG बैन होने के बाद, तो ये चीज़ सबको अच्छा होने वाला है और वार जोन सबके लिए ज़बरदस्त होने वाला है। कुछ एक्शन के साथ न्यू मूव्स, न्यू कुछ कॉस्ट्यूम उसके साथ आने वाला है, तो बने रहिए। और आप अगर खेल रहे हैं तो आपको बहुत जल्द अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों आज का टेक न्यूज़ यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी हमारे डिटेल्स रिव्यूज़ आने वाले हैं इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर आप सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको पूरा डिटेल देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।